गुड इवनिंग दोस्तों, आज जो है कि संतोष बिंद्रा के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और चलते हैं आज एक्सेल में कुछ नया चीज़ के बारे में जानेंगे। तो हम लोग विंडोज प्लस आर से रन बॉक्स स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमने एक्सेल लिख लेना है, ठीक। एक्सेल टाइप करेंगे, उसके बाद हम इंटर करेंगे तो आपका एक्सेल, आपका फाइल खुल के आ जाएगा स्क्रीन पे। देखिए आपका ये एक्सेल खुल गया। यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज आप कर लोगे। देखो यहाँ से मिनिमाइज हो गया यानी छिप गया, और ये मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज जो है बड़ा होगा, और ये क्लोज है, क्लोज इससे कट जाएगा, ठीक। तो ये एक्सेल में आपको बताया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोग ध्यान दीजिए। तो एक्सेल में सबसे पहले जो होता है ये रो होता है, ठीक। ये रो होता है और ये कॉलम होता है। ये कॉलम होता है जो आपको दिख रहा है, जो ये जो कॉलम होता है और ये जो होता है रो होता है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, रो और कॉलम। और अब चलते हैं इसमें बताने हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो ये एक्सेल ऐसे समझता है कि जिसे तीन वर्ड को, जैसे हो गया गिनती हो गया, ठीक, 1 2 3 अगर लिखेंगे तब जाकर वो जो आगे का गिनती जो है अपने से कैच कर लेगा। सिर्फ एक और दो लिखेंगे तो नहीं कैच करेगा। तीन, कम से कम तीन वर्ड, या तो मंडे संडे ट्यूसडे लिख रहे हो या पारा लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हैं तो तीन वर्ड आपको देना पड़ेगा। क्योंकि एक्सेल का दिमाग जो है कि एक्सेल में बहुत प्रकार का जो होता है वर्क होता है, काम होता है। तो आप लोग जैसे ही आप टाइप करोगे ए बी सी डी चाहे कुछ भी अगर टाइप करते हो तो एक्सेल को हिंट दोगे। जब तक हिंट नहीं दोगे तब तक ये नहीं समझेगा कि आप इसको क्या कहना चाह रहे हो, जोड़ना चाह रहे हो, घटाना चाह रहे हो कि क्या करना चाह रहे हो। तो ये आप, जैसे हमने गिनती लिखना है, अगर मैं एक और फिर उसके दूसरे खाने में जो है दो लिखेंगे और इसको हम ड्रैग करेंगे, इस तरह सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, तो देखिए आपका ये ले ले रहा है, ठीक। ले लिया गिनती 10 तक यहाँ पे। और वही चीज हम 11 और 12 लेंगे तो भी देखते हैं। देखिए ये भी ले लिया, तो दो अंक में ले लिया, गिनती का नाम है तो ले लिया। अगर दूसरा चीज ले रहेगा तो नहीं लेगा, ठीक है। ये तो ले लिया, जैसे गिनती है वो सेकंडों में पूरा, कई मिनट, 5 मिनट के अंदर आप पूरे गिनती लिख लोगे। 5 मिनट भी नहीं, मात्र 5 सेकेंड लगेगा, ठीक। इस तरह लिखने जाएंगे आप, इसमें लिखेंगे 11 12 इस तरह लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इस तरह लिखने में गिनती। तो अगर इस तरह अगर लिखते हैं आप, मिनटों का काम आप सिर्फ सेकंडों में कर लेंगे। तो इस तरह करके लिख लेंगे, ये आप लिख चुके हैं। देखिए ये अच्छे तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए गिनती है। और अच्छे तरीके से इसको हम साइज बढ़ाकर भी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए साइज बढ़ गया, अब देखिए गिनती अच्छा लग रहा है। तो ये आप एकदम ईजी तरीके से आप कर सकते हो। सिर्फ एक हिंट देना है, एक और दो और यहाँ पे तीन, उसके बाद जो है यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13, ठीक। यहाँ पे तीन अंक दे देना है, उसके बाद यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है, ठीक। ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, वर्ड भर जितना वर्ड लिखा हुआ है, तीन लाइन में लिखा तो तीन ही लाइन को, उसके बाद यहाँ तक घींच देना है। उसके बाद यहाँ तक 20 तक हो गया, तो फिर तला वाला प्लस आता है जो पतला सा है, इसको आप पकड़ के जितना चाहिए उतना तक घींच तक सकते हैं, ठीक। 80 तक हुआ, 90 100, ठीक। यहाँ तक ले 100 हो गया गिनती आपका। तो इस तरह करके आप गिनती को लिख सकते हो। और इसको हम हटा देते हैं पूरे को, हम देखिए डिलीट हो गया। अब देखते हैं हम वही चीज़, दूसरा चीज़ हम बता देते हैं आपको। इसको थोड़ा सा हम सिंपल कलर कर लेते हैं, ठीक। नई सीट ले लेते हैं। अब इसमें अगर वही चीज़ हम अगर संडे वनडे लिखना है तो दो वर्ड में गिनती ले ले रहा था, जैसे UND DAY संडे, MONDAY मंडे। जैसे ही हमने लिखेंगे दो वर्ड क्या होगा कि ये नहीं लेगा। जब संडे और मंडे लिख दिए हैं, अगर ऐसे करेंगे तो मंडे ट्यूसडे, ले लिया ये भी ले लिया। अगर सही से आप लेंगे तो ले लेगा, दो ही अंक पे ले लेगा, तीन अंक पे भी ले लेगा, लेकिन मैक्सिमम तीन अंक लेना चाहिए, ठीक। देखिए आपका ले लिया। अब इसको हम साइज वगैरह बढ़ा के दिखा दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा कलर भी कर देते हैं और इसकी जो है साइज बढ़ा देते हैं।
देख सकते हैं आप संडे मंडे ट्यूसडे जो है सैटरडे सैटरडे का यहाँ से हम उसको भी बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये आपका अच्छे तरीके से हो गया। तो ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे इस तरह करके आपका आ जाएगा। गिनती भी आप लिख ली है, संडे मंडे भी लिखना है तो आप लिख लिए। इसी तरह जनवरी फरवरी भी लिख सकते हैं। जनवरी का मीनिंग सही से लिखेंगे, जनवरी जनवरी का मीनिंग लिखेंगे ठीक, JN या FAB MAR जैसे ही लिख देंगे आप, तीन वर्ड बस लिखेंगे सही से। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च देखिए जनवरी में जो है मीनिंग गड़बड़ हो गया ठीक, JUN होता है जनवरी होता है ये फरवरी मार्च, इसको भी देख लेते हैं इस बार। जनवरी फरवरी का मीनिंग अगर गलत देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह करके आपका आता है। तो इस तरह करके आप लिख सकते हैं, तो ये देख लीजिए। और इसमें जो है फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करना है ये बता दे रहे हैं आपको। अब फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। जैसे हमें पढ़ा लिखना है दो चार छः बस तीन अंक लिखनी है, उसके बाद जो है इधर हम लिखते हैं दूसरे लाइन में तीन तीन छः तितली नौ ठीक। इतना लिखने के बाद आप देख सकते हो बस तीन वर्ड हमने लिख दिया हूँ और तुरंत 20 तक पढ़ा आपका तुरंत आपका आ गया ठीक। यहाँ से आपका 10वीं तक 20 तक ये आपका जितना तक चाहिए उतना तक, ये 16 का हो गया 17 18 20 ठीक। देखिए 20 तक पढ़ा आपका हो गया, 20 तक पढ़ा एकदम इजी तरीके से आप बहुत ही कम समय में आपने लिख दिया। तो ये आप ट्रिक नहीं जान देंगे तो नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ जो है कि फार्मूला लगा कर ही करेंगे। अगर जोड़ना है हमको एक ही साथ सबके नीचे का जोड़ना है तो एक फार्मूला होता है अल्ट प्लस बराबर, अल्ट प्लस बराबर दबाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपका दिख रहा है। इसका 110 होगा, इसका 165 होगा, ये आप लाइनिंग देख सकते हैं सेलेक्ट हुआ हुआ है, देखिए जुड़ा हुआ है। तो ये आपका 220 275 200 330 385 440 इस तरह करके आपका जोड़ा हुआ आ गया। एक बार में आप सेकेंडों में सभी का आप गिनती का जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था एक्सेल में जोड़ने का। जोड़ने का कई तरीका होता है, एक और तरीका है जोड़ने का हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लेते हैं 220 आया है ठीक, ये 220 आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 इसका आया हुआ है, इसको जोड़ना है 220 कैसे आया। तो इसको हम जोड़ने का एक और तरीका है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये है फिर प्लस लगाएंगे फिर ये फिर प्लस फिर ये फिर प्लस फिर ये इस तरह प्लस लगाते जाएंगे। उसके बाद इंटर दबा देंगे ठीक, 220 आ गया। देखिए अभी 220 आ गया। तो दो तरीका है, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। इस तरह बहुत ही तिम्मा है, इस तरह इतना सूत्र लगाएंगे आप दिख रहा है नेम बॉक्स में, जिस तरह इतना जोड़ लगाने के बाद आपका आ रहा है ये क्लिक में आ गया है सिर्फ। यहाँ पे क्या किया हमने, ये क्लिक किया हूँ ठीक, यहाँ पे सिर्फ ये क्लिक ऑल्ट और बराबर का चिन्ह लगाया हूँ जैसे ये वाला सूत्र, तो ऑटोमेटिक आ गया है। आप भी लगा सकते हो बेहतरीन तरीके से, जो नहीं समझ में आए आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए इसी तरीके से, यहाँ पे बस ऑल्ट और बराबर लगाएंगे हम सूत्र, एक ऑटोमेटिक हमने सेलेक्ट कर लिया है और इंटर प्रेस करेंगे 163 जोड़ के आ गया है। देख नहीं सकते हैं आप 163 आ गया, इसका 163 आ गया। जो आपको नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं कमेंट कर।
तो ये आपका ये बेहतरीन तरीके से जोड़ना आ गया, घटाना, गिनती, पहाड़ा, ये इजी तरीके से आप लिख सकते हो एक्सेल में। और ये सीट्स होती हैं, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड सीट, इसी में आप काम कर सकते हो। अगर मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड, इस क्या है, सेकंड में आप काम किए हो, मान लेते हैं संडे मंडे को आप यहाँ पे लिखे हो, इसको चाह रहे हो कि हम यहाँ से दूसरे जगह कॉपी कर लें, तो कंट्रोल सी, सिर्फ यही चाहिए हमें, संडे मंडे ही चाहिए, तो कॉपी करके और सेकेंड वाले सीट पे जाके और कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे, तो देखिए आपका ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कंट्रोल भी दबाएंगे तो आपका ये आ गया, देखिए कंट्रोल भी दबाते ही ये आपका आ गया। और इसको आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा करके, छोटा करके, जो भी करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दे रहे हैं, आप भी सेट कर सकते हो। जो भी नहीं समझ में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ से ऊपर में जाएंगे, पतला वाला प्लस आएगा, इससे आपको ड्रैग करना है। तो संडे मंडे आपका लिखा गया, अच्छे तरीके से दिख रहा है आपको। तो दोस्तों अगर और भी कोई भी डाटा यहाँ से उठाना है, अगर मान लेते हैं हमको ये चाहिए, पूरा पहाड़ा चाहिए, इसके साथ में चाहिए 10 तक चाहिए, सिर्फ 10 तक ही चाहिए, 10 तक, 9, ठीक, या 90, यहाँ तक चाहिए, ठीक, यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और अगले सीट पे आ जाएंगे यहाँ पे, और कंट्रोल भी दबा देंगे, ठीक, कंट्रोल भी दबा देंगे, आपका एकदम बायोडाटा जितना वहाँ पे था वैसे का ही उठ के यहाँ पे आकर सेट हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि एक सीट से दूसरे सीट में जाना, ठीक। तो ये हो गया। एक चीज़ और है, बहुत ही अच्छा तरीका है इसका, स्क्रीनशॉट लेके आप फोटो पिक्चर्स बना सकते हो, मोबाइल फ़ोन में भी रख सकते हो, मोबाइल फ़ोन में रख सकते हो, जैसे ये सब आ जाएगा आपका। जैसे मान लेते हैं हमको ये बनाया है संडे मंडे ट्यूजडे, ठीक, तो इसका हम ये बनाया है डाटा, तो इसको हम चाह रहे हैं कि इसके फ़ोटो में बनाकर अपने मोबाइल में भी रख सकते, थोड़ा सा हम इसको लाइट भी कर दे रहे हैं, जैसे लाइट चाहिए हमें वैसे लाइट में भी ले लेंगे, ठीक, और इसको हम कट कर लेंगे, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब कीबोर्ड में इंसर्ट के ऊपर होता है और होम के ऊपर होता है, इंसर्ट और होम के ऊपर सीधे होता है, वो बटन क्लिक करेंगे और आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और इसको, स्क्रीनशॉट को देखने के लिए हम जाएंगे पेंट में, पेंट में ही फोटो बनता है ना, पिक्चर्स वगैरह, फोटो वगैरह बनता है आपका पेंट में, तो पेंट खोल लेते हैं, पेंट खोले हम, उसके बाद कंट्रोल भी यहाँ पे प्रेस कर देंगे। देखिए आपका ये बार डाटा जो बनाए थे वहाँ पे, इसमें स्क्रीनशॉट में आ चुका है, देखिए आ गया है ना, एकदम अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये आ गया है आपका। अब इसको आप क्रॉप कर सकते हो, यहाँ पे लेंगे सेलेक्ट और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम इसको, जितना काटना है इतना सेलेक्ट कर लिए हम, ठीक, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स क्रॉप हो गया। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स दबाएं और क्रॉप हो गया, इतना ही हमारा बायोडाटा आ गया। और इसको हम कंट्रोल यस से सेव कर लेंगे, जिस नाम से सेव करना है, MIT नाम से सेव कर देते हैं, MIT कंप्यूटर, कंप्यूटर नाम से सेव हो गया। अब उस फाइल को फोटो में कन्वर्ट हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे MIT कंप्यूटर, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आपका कंप्यूटर MIT कंप्यूटर है, ये नहीं MIT कंप्यूटर, इस पे नहीं MIT कंप्यूटर, आप जाके यहाँ से निकाल सकते हैं पेंट में, कंट्रोल हो जाएंगे फाइल MIT कंप्यूटर, इसमें देखते हैं यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे है, इसको कॉपी कर लेंगे हम, और यहाँ पे कंट्रोल भी, यहाँ पेस्ट दिख रहा है, पेस्ट पे दबा देंगे, देखिए यहाँ पे आपकी फाइल आ गई जो बनाए थे हम, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और ये फाइल बन के तैयार हो गया। तो पेंट, ये पेंट की फाइल आप फोटो में कन्वर्ट हो चुका है, तो कन्वर्ट हो गया, इसको आप मोबाइल फ़ोन में आराम से रख सकते हो और देख सकते हो। इसी तरह बहुत सारा डाटा आप कंपनी वगैरह चाहे कहीं भी काम कर रहे हैं, घर में कितने लोग हैं, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, सारा डाटा हम बना के आप फ़ोन में, अपने फ़ोन में फ़ोटो के कन्वर्ट करके
फोटो में रख सकते हैं, एक्सेल में बनाकर स्क्रीनशॉट लेकर उसको इस तरह क्रॉप करके फाइन फोटो बना के इस तरह आप रख सकते हो। देखिए इसको जूम करके अच्छे तरीके से ये दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये है आपका, हमारा फोटो में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह कर अगले ट्रिक पे हम अब चलते हैं। एक्सेल में बहुत सारा ट्रिक है, ठीक। तो ये तो टोटल का हो गया, यहाँ पे भी टोटल निकाल सकते हैं अल्ट प्लस बराबर दबा के। देखिए इस तरह करके लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में निकाले हम, राइट में नीचे निकाले हैं, अभी अभी राइट में साइड में निकाले हैं, ठीक। राइट साइड में देखिए तो बस अल्ट और बराबर क्लिक किए हैं, तो आपका फिर इंटर दबा देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा आपका 54। आप देख सकते हैं 54 आपका निकला हुआ है। आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो, 54 निकला हुआ है। उसके बाद जो है, उसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे, यहाँ से घींच देंगे तो सभी का निकल जाएगा। ये तो टोटल करने का हो गया। दूसरा ट्रिक हम बताने वाले थे, बराबर का चिन्ह, टोटल नंबर सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया टोटल नंबर, उसके बाद बाई का चिन्ह, जेड सब्जेक्ट है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 900 डालेंगे, ठीक। या तो 90 डाल सकते हैं, 10 नंबर का है तो, ठीक। और उसके बाद घोड़े का चिन्ह शिफ्ट के साथ, उसके बाद 10 कर देंगे। देखिए इसका जो है परसेंटेज इस तरह निकल गया, 6% इसका होगा, ठीक। 100 भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए कुछ अलग तरीके का आ गया, 60% आ गया, तो 10 ही होगा। इस तरह करके परसेंटेज निकलता है, सेम टू सेम जिस तरह निकाले हम। तो आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छे से, जो नहीं समझ में आया कमेंट करिए। तो ये देखिए आप किस तरह कलर कर सकते हैं, ये आप कलर है। तो ये आपका दूसरी ट्रिक थी। तो इस तरह करके आप एक्सेल में काम कर सकते हैं, और इसके पूरे को सिलेक्ट करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में, या बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह करके उसके बाद यहाँ से टेबल में कन्वर्ट करना है, तो टेबल में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे टेबल है, ठीक। और टेबल करके या स्ट्रिक करके और ओके दबा देंगे, देखिए टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल में ये अलग अलग कलर्स हैं, आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं, आप कलर्स परिवर्तन कर सकते हैं, और ये स्टाइल्स है, ठीक। ये आप वाटर मार्क लगा सकते हो, इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते काम कर सकते हो। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, टेबल बनाना, ऐड करना, जोड़ना, सम करना, अल्ट बराबर से, उसके बाद गिनती लिखना हो गया, संडे मंडे हो गया, और उसके बाद तारीख हो गया, डेट, संडे मंडे हो गया आपका, ठीक। इस तरह करके आप सारा चीज़ लिख दो, 1 2 लिख दिए, ABCD भी लिख सकते हो, ABCD को नहीं लेगा ये, आपका ये नहीं लेगा, सिर्फ नंबर लेगा, ठीक। नंबर ABCD ही आ रहा है, ठीक, ABCD करके ही आ रहा है, नंबर बस लेगा, ठीक। 2 से 4 से 10 से जितना भी लेना है नंबर ही लेगा, तो आप नंबर से, आप नंबर ही सिर्फ काम कर सकते हो, नंबर पे ही। तो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है, इसको आप सेव कर सकते हैं, यहाँ माउस से जाएंगे, यहाँ पे आप, यहाँ पे सेव है, सेव एज, सेव पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह करके आपका बॉक्स आएगा, ठीक। इस तरह बॉक्स आएगा, और यहाँ पे जिसमें फाइल में सेव करना है, हमको एक्सेल वर्क बुक में ही काम करना है, यहाँ से फाइल नेम बहुत सारी फाइल्स में सेव कर सकते हैं। देखिए हम स्टोर्स में कर सकते हैं, एक्सेल वर्ड, ये सब है, देखिए स्प्रेडशीट है, एक्सेल है, तो एक्सेल हम काम करें तो एक्सेल में ही फाइल में ही सेव करेंगे, यहाँ से चेंज नहीं करना है। और जिस नाम से सेव करना है उस नाम, उसमें आप टाइप करेंगे नाम MIT पे, तो MIT नाम टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, जैसे ही सेव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखिए टाइटल नेम में, टाइटल में दिख रहा है MIT, यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका ये फाइल सेव हो चुका है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत हो, आपको ना समझ में आया हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।